देखिए चुनाव आते आते बहुत सारे प्रत्याशी कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, अभी और बढ़ेंगे या और घटेंगे प्रत्याशी, ऐसा क्या हो गया है, हर जगह प्रत्याशी उठते हैं, चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, तो सबको मिल के लड़े। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट जूनापुर हॉस्पिटल रोड बाईपास रोड सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स, तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766964414। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान, तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। हेलो, हाँ मम्मी जी, मैं पहुंच तो गई पर यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, मैं जाऊंगी कैसे, इतनी रात हो रही है, अभी मुझे टेंशन भी हो रही, परेशान भी हो रही हूँ मैं। कम से कम एक भी गाड़ी तो मिल जाए, सेफ्टी की भी तो बात होती है ना मम्मी, इसीलिए मैं गांव नहीं आना चाहती हूँ। कम से कम शहर में तो अभी तक एक कैब बुक करके घर भी पहुंच जाती। पता नहीं आपको तो आपकी गाँव ही पसंद है, पता नहीं इस जन्म में इस गांव में कभी ऑनलाइन कैब बुकिंग की फैसिलिटी आएगी भी या नहीं, समझ में नहीं आती। शहरों को शहरों से सबने जोड़ा, पर हमारे गांव को सबने छोड़ा। हौसला हमारा टूटेगा नहीं, गांव हमारा छूटेगा नहीं। आ गया है गोबीबी गो, प्ले स्टोर में जाए, डाउनलोड करें गोबीबी गो और सेवाएं ले। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। हम लोग सिवान सिटी में कई इस क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं और वहां पे जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आप लोगों का माहौल कैसा है, आप लोगों का विकास कैसा है और आप लोग जीवन कैसे जीते हैं। क्योंकि ये सिवान सिटी एक कहा जाए, यहाँ पे हर तरीके से लोग आते हैं और बिजनेसमैन के रूप में बनना चाहते हैं, लेकिन खासियत ये होती है कि लोग आगे बढ़ने के लिए चेष्टा रखते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, चाहे वो जिस फील्ड में बढ़ना चाहते हो। मैं बात करूंगा सिवान नगर परिषद के, मैं बात कर रहा हूँ सिवान नगर परिषद में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग भ्रमण करके वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं और वहाँ के विकास के मुद्दे उठाकर लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके वार्ड में जो रहे हैं उन्होंने कैसे विकास किए हैं, क्या विकास नहीं किए हैं। और इस बार फिर से चुनाव का माहौल आ चुका है, यानी कहा जाए कि सिवान सिटी में सिवान नगर परिषद की तरफ से ये बिगुल बज चुका है कि सिवान नगर परिषद में चुनाव होने के लिए तैयारी जोर शोर से लग चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, उप चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है और नगर परिषद का चेयरमैन, नगर परिषद का चुनाव होने के लिए लगातार क्षेत्र में भ्रमण लोग कर रहे हैं। अभी हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, ये जो शख्स हैं अपने जीवन में राजनीतिक माहौल में बने हुए हैं, कहा जाए कि ये एक युवा नेता है, छात्र नेता है और अपने सामाजिक चीज़ों को लेकर वातावरण को बनाकर कहीं ना कहीं स्थापित हैं। अभी सिवान सिटी में चुनाव तो लड़ रहे हैं ये इस बार उपसभापति का, लेकिन कहा जाए इनके बारे में कि ये ऑलरेडी कई चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, यानी कि छात्र नेता, सामाजिक नेता या कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित रहे हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में। हम आज इनके पास पहुँचे हुए हैं ये जानने के लिए कि पहली बार उपसभापति का चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही चुनाव होने का अपील हुआ है, जनता चुनेगी इस बार चेयरमैन का और उप चेयरमैन का। इसी मुद्दे पे बात करेंगे और इनके साथ में कुछ दोस्त लोग हैं जो वोटर भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कहीं ना कहीं वो लोग समाज में किसी पद पे स्थापित हैं और उस पद को लेकर गरिमा को बनाए रखते हुए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले जो भावी उपसभापति प्रत्याशी हैं जो इस बार सिवान सिटी से सिवान नगर परिषद की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, हमारे चैनल पे आपका भी स्वागत है, आपके सारे दर्शकों का भी स्वागत है। सर, जब मैंने आपका पोस्टर बैनर देखा तो ये जहन में था कि आप कहीं ना कहीं इसके पहले भी समाज में अपने क्षेत्र में लोग बिच रहे हैं, ये चुनाव लड़ने का आपने इस बार ऐलान कर चुके हैं उपसभापति का, तो हम आपसे सवाल ये पूछेंगे पहला कि आप यंग हैं, जोश एनर्जी हैं और आप छात्र नेता भी रह चुके हैं, तो आप उपसभापति का ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आप चेयरमैन या सभापति का मतलब क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं घर की महिलाओं को नहीं लड़ाना चाहता हूँ, मैं खुद लड़ना चाहता हूँ, मैं खुद सब समाज की सेवा करना चाहता हूँ, नेम प्लेट पे मेरा नाम रहे।
वाह क्या बात है, यानी कि आपके कहने का कथन ये है कि जो आपको पता है कि जो चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाला है या लड़ेगा वो लेडीज सीट है, महिला सीट है, तो उनके नाम से उनका सारा चीज कार्यपालिका के रूप में वो सम्मिलित रहेंगे। हाँ। लेकिन उनके नाम से कोई और रिप्रेजेंट होने वाला हाँ। होता है जी, जी। लेकिन आपका मकसद है कि जो उप चेयरमैन बनेगा वो जेन सीट है, जेन सीट होगा, उम्मीद है कि जेन सीट ही है, उम्मीद है जेन सीट होगा, तो उस पद के लिए स्थापित होकर आप आ रहे हैं जी, उसी पद के लिए। अभी आपका पोस्टर बैनर क्षेत्र में लग चुका है, देख रहे हैं, भ्रमण भी आप लगातार देखे हैं, आप किए हुए हैं। अभी भ्रमण करने के दौरान क्या रिस्पॉन्स, क्या मार्केटिंग आपको इससे भी मिला हुआ है? पब्लिक के बहुत सारे काम बाकी है, सड़कें अधूरी है, नाला की समस्या है, टैक्स ज्यादा लोग दे रहे हैं, ये समस्या है, बहुत सारी समस्या। अच्छा एक चीज आप कह रहे हैं टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि बहुत लोग इस पर रियलाइज कर रहे हैं कि जो टैक्स होता है, अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आपका टैक्स ज्यादा है, और आप एक लेवल पर इंसान है तो आपका टैक्स कम है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे मतलब मार्केट में ऐसा सिवान सिटी में जैसे डॉक्टर क्रोनी में कहा जाए कि इस पर और भी लोग बयान दिए हैं, उसी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो टैक्स लग रहा है इसके क्या प्रक्रिया है? टैक्स की प्रक्रिया सरकार ने तय किया मापदंड, कुछ कर्मचारियों को मिली भरत से किसी का टैक्स कम लग जाता है, किसी का टैक्स ज्यादा होता है, तो इसकी जांच का ये विषय है। अच्छा इस बार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो चुनाव होने जा रहा है सभापति का, उपसभापति का, जनता खुद चुनाव करेगी, जिस तरह पहले वार्ड परिषद चुनाव होती थी अब जनता खुद चुनाव करेगी, इसके बातों से इसके मतलब प्लानिंग से कितना सहमत है? एकदम सरकार ने ठीक किया है ये चीज ला, इसलिए पहले खरीद फरोख्त होता था बड़े पैमाने पर, जितना चाहिए था किसी और को बनता था कोई और हमेशा बनने के बाद 2.5 साल बाद फिर उसको धमकी मिलता था कि तुमको हटा देंगे, मतलब कि ब्लैकमेलिंग का काम होता था, तो वो चीज़ नहीं हो रहा, जो जीतेगा वो 5 साल के लिए जीतेगा, तो जनता को डायरेक्ट वोट देगा, तो डायरेक्ट काम कराना भी जनता से मिलेगा, इसलिए ये एक अच्छा सरकार का एक अच्छा निर्णय है। आप युवा नेता रह चुके हैं, छात्र नेता भी रह चुके हैं, अभी हम रह चुके क्या रहे भी हैं, अभी मान लीजिए आप प्लानिंग कर रहे हैं इस बार उपसभापति का, आपके आने से सिवान का विकास, सिवान नगर परिषद का विकास, खासकर मतलब सिवान टाउन का विकास, अभी बहुत सारे गांव जुड़े हुए इसमें, तो वहां का विकास, वहां का वातावरण, वहां का माहौल कैसे आप रियलाइज करते हैं कि आपके आने से क्या सही मैंने 5 साल में विकास हो जाएगा सही तरीके से? एकदम विकास होगा, मैं विकास के नाम पर ही वोट मांग रहा हूँ, लोगों को काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, मैं मुझे क्षेत्र घूमने जानने की जरूरत नहीं है, कौन सा गली कहाँ जाता है, यहीं पे पैदा हुआ हूँ यहीं मरूंगा, तो सब कुछ अपने लोग के बीच में रहा हूँ इसलिए सब कुछ जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। आपका पैतृक स्थान दक्षिण टोला है? एकदम पैतृक स्थान दक्षिण। तो आपने कभी वार्ड कमीशन का चुनाव नहीं लड़ा है? नहीं मैंने कभी वार्ड कमीशन का चुनाव। आपके परिवार से? परिवार से तो बहुत सारे लोग लड़े हैं। हाँ। तो ये मन में आपको ये बार आया कि मैंने इस बार हम सभापति का या न्यू सभापति का चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। अभी भ्रमण कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप? रसी चौक कर चुके हैं, माहपुर कर चुके हैं, तो सुहा कर चुका, तो सुहा से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जितने भी क्षेत्र अभी बात कर रहे हैं ये सब नया चुना हुआ है, नया मतलब परिसर में आया हुआ है, नया परिसर ये गांव हुआ है जी। तो आप वहां पर जाने के बाद, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप गए वहां पे जनता से मिले आपने, तो जनता को मालूम है कि हमारा क्षेत्र नगर में जुड़ चुका है, तो वहाँ कुछ युवा कुछ जो पढ़े लिखे हैं जो तो चाहेंगे कि भाई हमारा जो जुड़ा हुआ है तो इस यहाँ का विकास शहर जैसा लगे, क्योंकि अभी शहर जैसा लगे, लोग थोड़ा परेशान है टैक्स को लेके कि हम लोग का टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा। टैक्स बढ़ने से भी नहीं, लोग को उतना सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा टैक्स बढ़ जाए लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रहा है? एकदम टैक्स बढ़ रहा है, सुविधा नहीं। तो इस पे काम कैसे करेंगे? एकदम काम करेंगे, लोगों से हम लोग सुझाव लेंगे, अफसरों से बात होगी, जीतने के बाद दोनों को सामने मिला के उस पर काम किया जाएगा। सिवान में अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे पूरा घर कहीं फेंका जा रहा है, कहीं हाईवे फेंका जा रहा है, कहीं तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? इस पर नगर परिषद को डंपिंग पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ कूड़ा डंप हो, अगर डंपिंग पॉइंट नहीं बन पाता है तो ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। हम लोग ये जीतने के बाद आपको कहेंगे साफ सुथरा सिवान, पे हम लोग का स्लोगन भी है साफ सुथरा सिवान, साफ सुथरा सिवान। हाँ एकदम। तो जनता से कैसे आप भरोसा दिला सकते हैं कि आप चुनाव जीत के आते हैं अगर चेयरमैन उप चेयरमैन का, तो कैसे जनता के बीच काम करेंगे? आपको भी तो फंड आएगा, आपके नाम जी फंड आएगा, उप चेयरमैन का जी फंड आता है ना? अब ये क्या सरकार का मौजूदा ने ये नहीं अनुशंसा करते हैं? जो चेयरमैन उप चेयरमैन का भी जो है या वार्ड पार्षद का, ये लोग अनुशंसा करते हैं, ये गरीब बनना चाहिए। फंडिंग जो होता है सरकार देता है ना, कि फंडिंग ये देता है,
बताइए स्पेशल फंड विधायक एमपी को जो फंड आता है जैसे वैसे चेयरमैन को फंड नहीं तो सरकार से नहीं आता इस तरह से प्रस्ताव भेजते हैं। हाँ प्रस्ताव भेजते हैं और पारित होता है तो वो मतलब योजना सुचारू रूप से फिर आपको ये तो और अच्छी बात है कि आप अपने समाज में रहे हैं सिवान सिटी में रहे हैं तो आपको समस्या पता है तो समस्या को उठाकर आप पारित करवाएंगे एकदम। तो क्या पारित करवाएंगे? हर मोहल्ले का हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अच्छा जैसे वार्ड कंप्लीट हो जाता है परसीमन आ जाता है अधिसूचना जारी होगा तो हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे हर मोहल्ले का अलग अलग। बस यही अपील करेंगे सबको देखें सबको चुने एक गरीब के बेटे को जरूर चुनाव मिलता है। अच्छा मतलब सबको देखे सबको चुने लेकिन आपका कहना है कि गरीब के बेटे को एकदम चुनाव जीता है तो एक मतलब आप अपने आप को मानते गरीब एकदम कैसे गरीब मानते हैं इतनी बड़ी शख्सियत मतलब कैसे किस वजह में गरीब मानते हैं? हर चीज से गरीब हो गए आपके साथ इतने युवा का हो रहा है इतना छात्र नेता है तो वो इंसान कैसे गरीब हो सकते हैं? बस लोगों का साथ है वो प्यार है अब उसी के दम पे हमें चुनाव लड़ रहा हूँ लोगों के सहयोग से लड़ रहा हूँ। गाड़ी में तेल भी लोग भी मेरे डलवाते हैं मैं खुद से नहीं डलवा जो भी होता है लोग सहयोग करते हैं। तो ये चुनाव लड़ने का मन है तो मतलब अपने खुद से जनता के समर्थन से हमारे साथी कमेटी हमारे हमारे दोस्त यार हमारे जिनसे संबंध है वो लोग कहेंगे चुनाव लड़िए आपका चुनाव अच्छा तो चुनाव जीतने के बाद पूरा आपका क्षेत्र विकास रहेगा एकदम विकास रहेगा लूप अफसोस किसी चीज़ का नहीं रहेगा कि मैंने किसी को वोट दिया है तो उसने मेरे वोट का नजायज फायदा उठाया किसी चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा उसे अच्छा लगेगा जिसे मैंने वोट दिया है वो मेरे लिए काम कर रहा है एकदम जनता को ये मतलब उम्मीद दिलाना चाहता हूँ। अच्छा तो शिक्षा पे कुछ काम करने का अपील कर रहे हैं शिक्षा पे एकदम का मैं तो PhD होल्डर हूँ तो उस पर क्या प्लानिंग करना है जिससे फंड के इसमें कितने प्रकार का फंड मतलब मैंने आपने बोला कि प्रस्तावित करते हैं लेकिन कुछ तो फंड आता होगा ना मान लीजिए कि सभापति का या उपसभापति का कुछ तो फंड आता होगा। फंडिंग पर्सनली नहीं आता है सब कुछ काम होता है हाँ। अनुशंसा करता है जहाँ प्रस्ताव भेजना पड़ता है हाँ, प्रस्ताव होता है कि इसको बोर्ड से पास होता है वो बोर्ड पास करता है उसके बाद वो योजना मतलब काम शुरू हो जाता है काम जाता है टेंडर होता है टेंडर होने के बाद काम शुरू हो जाता है। चलिए पेपर से बता दीजिए मेरा नाम अफजल इकबाल सना दक्षिण टोला मोहल्ला में लेकिन यहाँ से ये शख्स जो है इस बार उप सभापति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनका पोस्टर बैनर क्षेत्र में लगना शुरू हो चुका है और क्षेत्र भ्रमण भी इन्होंने लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते नजर आ रहे हैं जैसे कि आज इन्होंने अतसुआ में भ्रमण किए और वहाँ पे जनता से अपील करते हुए नजर आए कि इस बार अपने सिवान नगर परिषद का जो परिसमन बड़ा हुआ है जो गांव बड़ा हुआ है यानी कि नगर में जुड़ा हुआ है उस गांव का सबसे पहले उन्होंने भ्रमण किया और उन्होंने जनता से अपील कहा कि अगर आपका गांव टाउन में यानी कि नगर पालिका में जुड़ा हुआ है तो इसका फ़ायदा ही आपको मिलेगा ना कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सारे गांव की जनता ये जानती है और डरती है कि हमारा गांव हमारा क्षेत्र अगर नगर पालिका में जुड़ गया तो टैक्स या और तरह की परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती है लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि आपका गाँव अगर आपका मोहल्ला जुड़ा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका विकास आपका एजुकेशन आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका सोशल एक तरीके से मतलब इस पर विस्तार होगा और एक बढ़ावा मिलेगा वहाँ के इंक्रीजिंग लाइफ में आपको विस्तार हो सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ सर ना एकदम होगा किसी को अफसोस नहीं होगा अफसोस नहीं होगा एकदम एकदम मेरे जीतने से किसी को अफसोस नहीं होगा। मैं समाज में रहने वाला आदमी हूँ समाज की समस्या को जानता हूँ और समाज की समस्या को हल करने की कोशिश भी करता हूँ। धन्यवाद तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया केवन रोहित के साथ और हम लोग बात कर रहे थे भावी उप सभापति प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं अफजल इकबाल जो प्यार मोहब्बत से लोग इनको सना के नाम से प्रसिद्ध हैं और मतलब निक नेम इनका सना है। तो एक बार अपना विचार अपना कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो पे कि आपका क्या राय है आपका क्या थिंकिंग है क्या अपना पर्सनल थॉट देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू जय हिंद।